हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम पॉकेट को लेकर के पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, जैसे कि क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है या क्या आपको जेल हो सकती है, क्या आपका सिविल स्कोर पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे तो क्या होगा, ये सारे बहुत सारे 10-15 क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे फुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं एम पॉकेट को लेकर के। अगर आप लोग ने भी एम पॉकेट एप्लीकेशन से लोन ले रखा है तो इन केस में आप लोग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने डिफॉल्ट किया है या फिर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकते हैं, इस वीडियो में फुल डिटेल से हम बात किए हैं। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आपका हमारे इस चैनल लोन असिस्ट इंडिया पे, जहां पे आपको लोन के रिगार्डिंग सारे कंटेंट देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं एम पॉकेट एप्लीकेशन के बारे में। ये जो एम पॉकेट एप्लीकेशन है वो NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, जो की RBI की गाइडलाइंस और लाइसेंस पे चलती है। ये आप लोग को अनसिक्योर्ड लोन और क्या बोलते हैं पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके सिविल स्कोर पे लेकर के बेसिस पे ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपको इसमें मैं बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। तो सबसे पहले बात यहाँ पे बात कर लेते हैं लीगल एक्शन के बारे में। तो लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं लिया जाएगा किसी भी प्रकार का, बशर्ते अगर आप लोग ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दे करके लोन लिया है। अगर आप लोग ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिया है और उस पर लोन लिया है तब आपके ऊपर कार्रवाई होगा, अदरवाइज आपके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं होने वाला। दूसरा सवाल है, क्या आपको जेल होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ जेल का क्या किस्सा है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लोन लेना आपको कोई भी क्राइम केस नहीं बनने वाला, क्रिमिनल केस नहीं बनने वाला, इसलिए आपके ऊपर कभी भी जेल नहीं होगा या फिर FIR आपके ऊपर दर्ज नहीं होगा। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, आपके सिविल स्कोर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सिविल स्कोर पर आपको बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आपका सिविल जो होगा डाउन होगा। जब तक आप लोग रिपेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका सिविल डाउन होता जाएगा और ऐसा हो जाएगा कि आपको वो रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप लेट करते हैं तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सिविल स्कोर को लेकर, क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा और कुछ नहीं होने वाला। अब क्या बात कर लेते हैं यहाँ पे है, चौथा क्वेश्चन है, रिकवरी एजेंट घर आएंगे। क्या रिकवरी एजेंट घर आएंगे? जी हाँ, अगर आपका घर शहर में है तब तो आपका 90% चांस है कि रिकवरी एजेंट आएंगे। अगर आपका जो घर है वो गांव में है, विलेज में है, तब आपका 100% चांस है कि वहां पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ये बात है, अगर आएंगे तो क्या होगा, अगर आएंगे ये लोग रिकवरी एजेंट तब आपके साथ क्या करेंगे और आपको क्या करना। अगर आपके घर रिकवरी एजेंट आते हैं तो सिंपली आपको उनसे दो चीज मांगना और रिकॉर्डिंग ऑन रखना है, हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग, दो चीज मांगना, पहला ID कार्ड और दूसरा ऑथराइज्ड लेटर, जो कि ये लोग 90% चांस होता है कि ये लोग आपको नहीं दिखा पाएंगे। अगर ये लोग नहीं दिखाते हैं तो आप लोग को सिंपली बोलना है आपसे, अब जब आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं, आप आईडी कार्ड नहीं दिखा पा रहे तो हम आपसे क्यों बात करें सिंपली। अगर फिर भी अगर वो लोग दिखा देते हैं बाई चांस तो आप लोग को क्या करना है, वक्त मांगना, आप लोग को अपना जो प्रॉब्लम है वो बताइए और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए, क्योंकि रिकवरी एजेंट को लेकर के RBI की गाइडलाइन से रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आने चाहिए। तो अगर ऐसा अगर आपके साथ बहुत बार करते हैं ये लोग, रिकवरी एजेंट भेजते हैं, तो आप एक RBI पे जाकर के RBI के पोर्टल पे जाकर के कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात होती है कॉल का रिस्पॉन्स देना है या नहीं। अगर देना है तो कितनी बार कॉल का रिस्पॉन्स दे और क्या रिस्पॉन्स दे। तो अगर आपको बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, तो आपको सिंपली एक से दो कॉल का रिस्पॉन्स देना है और उससे ज्यादा नहीं देना। एक ही कॉल रिस्पॉन्स दीजिए और उसमें बोलिए, कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके बोलना है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। आपको क्या बोलना है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है और जो आपका प्रॉब्लम है वो बताइएगा। और तीसरा आपको बोलना है कि मुझे इतना दिन, इतना महीने या इतने साल का वक्त चाहिए। आपको सिंपली ये रिस्पॉन्स करना है। अब बात कर देते हैं लीगल नोटिस या मैसेज का क्या सच है, इसमें इससे क्या होगा। लीगल नोटिस का क्या सच है, लीगल नोटिस जो होता है वो कभी भी लीगल, ये लोग बोलेंगे कि लीगल नोटिस है पर ये लीगल नोटिस होते नहीं है, एक रिमाइंडर नोटिस होते हैं कंपनी की तरफ से। ये आपको सिर्फ एक रिमाइंडर नोटिस होता है, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं हुआ रहता है, ये सिर्फ एक रिमाइंडर नोटिस होता है जो कि आपको भेजेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि आपके ऊपर केस वगैरह किया गया है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है।
समझ गए आप। अब बात करते हैं पेनल्टी अमाउंट जो होता है उसको कम कैसे करें। पेनल्टी अमाउंट अगर आप प्रीपेमेंट करना चाह रहे हैं, आपका पेनल्टी अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया पर आप प्रीपेमेंट करना चाहते हैं कि रिपेमेंट करने के वक्त आपका पेनल्टी अमाउंट कम हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंपनी से कॉन्टैक्ट करना होगा, उनको रिक्वेस्ट करना होगा। एक दो बार रिक्वेस्ट कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, तीन चार बार रिक्वेस्ट कीजिए, कंपनी आपकी बात सुन लेंगी, आपका पेनल्टी अमाउंट कम करके आपका जो लोन होगा उसका जो बेस प्राइस होगा या प्रिंसिपल होगा, जितना इंटरेस्ट लेना है हम लोग को उतना पे आप लोग का खत्म कर देंगे। अब बात कर लेते हैं FIR की धमकी देते हैं तो क्या करें। अगर आपको FIR की धमकी देते हैं ये लोग तो आप लोग को क्या करना, कुछ नहीं करना। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके ऊपर FIR नहीं होने वाला, तो आप लोग को बोलना है कि जी कर लीजिए FIR, कर दीजिए FIR, कुछ आपके ऊपर होने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो लोन लेने वाला है, लोन का जो मैटर है, कभी भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता, मैंने ऑलरेडी बता चुका है। इसलिए आपको FIR की धमकी दे तो आपको कुछ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोलते हैं अगर ये धमकी दे कोर्ट केस होगा, अगर ये लोग धमकी दे रहे हैं कि आप ऊपर कोर्ट केस कर देंगे, तो बोलिए जाइए कोर्ट केस कर दीजिए। कभी भी ये कंपनी आपको कोर्ट केस नहीं करने वाली होती है, क्योंकि ये लोग जानती है एक छोटे से अमाउंट के लिए इतना बड़ा प्रोसेस में कौन जाएगा, इतने बड़े जाल में कौन जाएगा। ये लोग कभी भी आपके ऊपर, आज तक नहीं हुआ है कि अनसिक्योर्ड लोन के केस में आपके ऊपर केस किया गया हो, किसी के ऊपर केस किया गया हो, तो आप लोग को इसको डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे सवाल थे इस M-Pocket को लेकर के। अगर आपको वीडियो पसंद आया और सवाल का जवाब मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।